नमस्कार, मैं वैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। चुनाव आयोग मध्य प्रदेश ने सभी 28 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर चुकी है। सूबे की इन सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। ये सभी कांग्रेस विधायक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। ये सभी विधायक कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे की है। चुनाव की तारीख के साथ राजनीतिक गलियारों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश का ये उपचुनाव सबसे खास है क्योंकि पिछले 16 वर्षों में महज 30 सीटों पर चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इस बीच कांग्रेस के एक प्रत्याशी का शर्मनाक वीडियो सामने आया है। कथित तौर पर यह वीडियो कांग्रेसी नेता व प्रत्याशी फूल सिंह बरिया का है। इस वीडियो में वो खास तौर पर सवर्णों के खिलाफ जमकर जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होती वीडियो भीतरवाड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिनौर तहसील के गांव भगीरथपुरा का है। बता दें कि कथित तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी के साथ हुई मारपीट के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में देखे जा सकता है कि क्रोधित जनता पुलिस के मना करने के बावजूद फूल सिंह बरिया को छोड़ने को तैयार नहीं है और लगातार लात घूंसों जूते चप्पलों से उन्हें मारती जा रही है। वीडियो में वो फटे हुए कपड़ों के साथ पुलिस के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि मारपीट की इस वीडियो पर फूल सिंह बरिया का बयान आया है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मारपीट का ये वीडियो फेक है और इस वीडियो के पीछे बीजेपी का हाथ है। और उनका कहना है कि इन सब में मुझे बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। दरअसल हमारी पड़ताल में ये पाया गया है कि वायरल पोस्ट का दावा फर्जी है। वायरल क्लिप में भंडारे के कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता सुब्रत मिश्रा है, जिन्हें टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से पीटा था। एनडीटीवी की 19 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, जो आसनसोल से बीजेपी सांसद है, आसनसोल के बीएनआर मोरे के इलाके में गए थे। वहां स्थानीय बीजेपी नेता सुब्रत मिश्रा की टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर पिटाई की थी। उसके बाद सुप्रियो के काफिले पर भी हमला किया गया था। इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। आइए आप भी देखिए ये वीडियो। करके इधर के उधर एडिटिंग भी की, तीनों प्रकार का है वो, वैसे फेक ज्यादा है। अभी मैं वो चाहते तो यही है कि मैं चुनाव लड़ूं नहीं, उलझ जाऊं और मैं कोर्ट कचहरी का पुलिस का चक्कर लगाता रहूं। पुलिस उन्होंने खरीद ली है, उन्होंने तो सच खरीद ली है, देश बचा नहीं है, देश को खुद ही बेच रहे हैं, तो अब बचा क्या है। इसलिए इन लोगों से कोई मामला डरने की जरूरत नहीं। तो ये वीडियो ये फेक वीडियो है? फेक वीडियो, पूरा वीडियो फेक है और ये बहुत घिनौना प्रचार करते हैं, कभी सही बात करते ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी उनको चैलेंज है, सत्य बात को लेकर के लड़ें और लड़के और हरा के दिखा दे। मैं तो कह भी रहा हूँ जो तो कांग्रेस 28 में 28 जीत करके सरकार भी बना रही है, अगर आप में दम है तो कांग्रेस की बाई इलेक्शन में, कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में है, विपक्ष बाई इलेक्शन में क्यों जीत रहा है? अगर दम है तो रोक के बता दे, अगर तुम्हें सत्य है इसको रोक के बता, झूठ से कभी कोई रोका नहीं जाता। हालांकि जिसके बाद हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया है कि वीडियो फेक है। बता दें कि ये वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि फूल सिंह बरिया ने एक सभा को संबोधित करते हुए हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगला है। उसमें सुना जा सकता है कि वो कहते हैं अभी भी वक्त है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जाग जाएं, वरना स्वर्ण देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों से भारत छोड़ने से पहले स्वर्णों को देश छोड़ना चाहिए, क्योंकि सवर्ण मुसलमानों के बाद भारत में आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति के लोग और मुसलमान एक ही पिता की संतान है, चाहे तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। समय बहुत कम रह गया है, अगर हम लोग कमजोर पड़ गए वो संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और हम लोग मजबूत बन गए तो ये कह जरूर रहे हैं मुसलमानों को खदेड़ देंगे, हमें नहीं खदेड़ देंगे अगर हम लोग मजबूती से आ गए तो। ये मुसलमानों को नहीं खदेड़ पाएंगे, मुसलमान हमारा भाई है, डीएनए टेस्ट करा लो, मुसलमान हमारा ही एक माता पिता की संतान निकलेंगे। समय बहुत कम रह गया है, अगर हम लोग कमजोर पड़ गए वो संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और हम लोग मजबूत बन गए तो ये कह जरूर रहे हैं मुसलमानों को खदेड़ देंगे, हमें नहीं खदेड़ देंगे अगर हम लोग मजबूती से आ गए तो। ये मुसलमानों को नहीं खदेड़ पाएंगे, मुसलमान हमारा भाई है, डीएनए टेस्ट करा लो, मुसलमान हमारा ही एक माता पिता की संतान निकलेंगे। उन्होंने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के एक भाषण का उदाहरण देते हुए बताया कि एक बार जब हिंदुओं ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की तो चर्चिल ने कहा, अगर भारत के मूल निवासी इस बात की मांग करेंगे तो विचार अवश्य किया जाएगा। इसके बाद फूल सिंह बरिया ने वीडियो में सबसे एकजुट होने की अपील करते हुए कहा, यदि हम एक हो गए
तो वो 15 है और हम 85, वे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बता दें उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें वे स्वर्ण महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। फूल सिंह बरिया कहते हैं कि स्वर्ण वर्ग के लोगों का कुत्ता अगर अनुसूचित जाति के लोग छू लेते हैं तो वह उस कुत्ते को अनुसूचित जाति के घर बांध देते हैं, इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों को भी स्वर्णों के घर जाकर उनकी महिलाओं को लड्डू खिलाना चाहिए जिससे वो अछूत हो जाएं और फिर स्वर्ण वर्ग के लोग उन्हें अनुसूचित जाति के घर जाके छोड़ आएं। इस तरह अनुसूचित जाति के लोगों की दो दो पत्नियां हो जाएंगी। तो जैसा कि आपने देखा कि फूल सिंह बरिया किस तरह से स्वर्णों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।